दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि इस कंप्यूटर में DDR2 रैम लगी हुई है, इसमें DDR3 और इसमें DDR4 रैम लगी हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये DDR2, DDR3 और DDR4 क्या होती हैं? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। मैं नाम है निशान चौधरी, आप देख रहे हैं निशान भारत। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों मैं रैम के बारे में पहले ही वीडियो बना चुका हूँ कि रैम क्या होती है और कैसे काम करती है, और अब बात करते हैं कि DDR2, DDR3 और DDR4 क्या होते हैं। DDR2 और DDR4 में बहुत डिफरेंस है। जो DDR2 है उसकी स्पीड आपको बहुत स्लो मिलेगी, ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, मगर जो DDR4 है वो आपको फास्ट मिलेगा और ये कम इलेक्ट्रिसिटी में भी चलता है। और अब बात करते हैं DDR3 में क्या है। जो DDR3 है वो DDR2 से थोड़ा फास्ट है और साथ ही साथ DDR4 से थोड़ा स्लो है और उससे ज़्यादा लाइट कंज्यूम करता है, मगर जो DDR4 है वो सबसे अच्छा और सबसे फास्ट है और सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, जो आपके फ़ोन या फिर कंप्यूटर की बैटरी लाइफ को बढ़ा देता है। और बात करते हैं कि ये DDR2 में और 4 में क्या अंतर है। DDR2 है उस वो आपको स्लो मिलता है, इसका कारण है कि उसमें जो टेक्नोलॉजी कम मिली हुई है वो बहुत पुरानी हुई है, और जो DDR4 है उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी कम मिली हुई है वो नई है, इसलिए ये आपको फास्ट मिलता है। और बात करते हैं कि इसमें क्या हार्डवेयर में कोई अंतर होता है। हाँ, हार्डवेयर में अंतर होता है। आप जो DDR2 ही रैम स्लॉट है उसे आप DDR4 में नहीं लगा सकते, और जो DDR2 की उसमें 3 में नहीं लगा सकते। ऐसा इसलिए होता है कि उसमें जो नीचे जो उसकी मदरबोर्ड में जो उसकी प्लेट होती है उसमें थोड़ा चेंज किया गया है ताकि वो दूसरे में ना आ सके। ये होती है इसकी स्पेसिफिकेशन में अंतर। और अब बात करते हैं कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी कमी ले जाता है। जैसे जैसे कंप्यूटर नया आविष्कार होते जाते हैं, ये DDR2 से अगर जल्दी आपको DDR5 भी देखने को मिलेगी, ये और फास्ट होने वाली है, साथ ही साथ ये ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम करती है। ये होती है DDR2 यानी DDR2, 3, 4, इसके मतलब होता है इसकी नई जनरेशन। जितना नया होगा आपको उतनी बेहतरीन स्पीड देखने को मिलेगी और साथ ही साथ ये उतनी इलेक्ट्रिसिटी को बचाएंगी। ये होते हैं DDR2, DDR4 और DDR5 के बीच में अंतर। मुझे उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा DDR2, DDR3 और DDR4 क्या होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।